नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का बीच मुकाबला था। यह मैच इंडिया ने जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, आज का मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका को फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए मैच के ठीक ठाक शुरुआत नहीं कर सके, सिर्फ 34 रन पर 3 विकेट खो दिए। फिर विराट कोहली और अक्षर पटेल ने मैच को आगे बढ़ाया। विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक बनाया और अक्षर पटेल ने 47 रनों की शानदार पारी खेली और आखिर में शिवम दुबे 28 रन बनाए। नतीजा, इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बना पाए और साउथ अफ्रीका को 177 रनों का लक्ष्य दिया। इंडिया के लिए विराट कोहली सर्वाधिक 76 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के लिए महाराज ने 2 विकेट और नटराजन ने 2 विकेट लिए। 177 रन का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। केवल 12 रन के ऊपर साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट गंवा दिए। फिर डीकॉक और ट्रिस्टन स्टब ने मैच को आगे बढ़ाया। अक्षर पटेल की बॉल में ट्रिस्टन स्टब आउट हो गए, उसके बाद क्लासन और डीकॉक धुआंधार बैटिंग स्टार्ट कर दी। एक समय लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 20 ओवर के पहले ही यह मैच खत्म कर देगा, लेकिन फिर डीकॉक को हरदीप सिंह ने आउट करा और क्लासन एक तरफ से फिनिश करने की ओर देख रहे थे, तभी हार्दिक ने क्लासन की विकेट निकाल ली। आखिरी 2 ओवर पर 19 रन चाहिए था, तब पिच पे डेविड मिलर खड़े थे। हरदीप ने सिर्फ 3 रन देकर एक ओवर निकाल लिया। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए था, तभी पहले गेंद में हार्दिक पांड्या मिलर को कैच पे फंसा लिया और इंडिया ने यह मैच 7 रनों से जीत लिया। इस जीत के बाद इंडिया 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती। दोस्तों, इस मैच में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली रहे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट पाने के लिए क्रिकेट को हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें